हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। माई सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा चीज़ आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैंने जो लास्ट की वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताई थी एनर्जी के बारे में, मैंने आपको बताया था किसके बारे में बताया था बेटा, एनर्जी के बारे में। आप एनर्जी होती क्या है, एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, या कह लीजिए द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो ये हमारे पास में एनर्जी के होती। फिर मैंने आपको फॉर्म ऑफ एनर्जी बताई कि देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसा बहुत सारी हमारे पास में क्या चीज़ है, हमारे पास में एनर्जी की फॉर्म्स आ जाती हैं। मैंने फिर आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया था, मैंने थोड़ा बता दिया था कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, उसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसकी यूनिट बताई थी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन बताया था, एक सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से भी बताया था और मैंने बताया था आपसे बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास में आया था कि काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। तो इस फॉर्मूले में मैंने बताया था वेयर एम, एम क्या चीज़ था हमारे पास में, एम था हमारे पास में मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह लीजिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट, और वी क्या चीज़ थी हमारे पास में, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ये केस हमने आपके साथ में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर और मैंने बताया था इसकी यूनिट भी सेम होती है एज दैट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू एज द सेम एज वर्क डन, क्योंकि हमारे पास में एनर्जी को किसके फॉर्मेट में लिखते हैं, वर्क डन की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास में ये इक्वेशन इस तरीके से आई थी, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और मैंने इसको कह दिया था काइनेटिक एनर्जी बराबर, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में बेटा, काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वल टू था, ठीक है बराबर हमने इसको कह दिया था। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इट इज मेजर्ड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू। हमारे पास में एनर्जी क्या करती है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया है, एक बॉडी ने किया या कर सकती है, तो हम उसको एनर्जी का पार्ट ही कहते हैं। आज के जो हमारा मुख्य कंसेप्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी का केस। किसका है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का आज का हमारा क्या चीज़ रहेगा, केस रहेगा। इस केस में भी मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी की क्या करता हूँ, डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। तो डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, आपको फ़र्क आ जाएगा। मैंने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज आपको याद रखना। वो चेंज क्या है वो देखिए, वो चेंज बताई थी मैंने, बॉडी पसेस बाई अ बॉडी ठीक है, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन ठीक है। ये हमारे पास में केस था, इसी केस में मैं बात करता हूँ कि द एनर्जी पसेस बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेम मैं बात करता हूँ आपसे पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी मैं बात करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है इसकी डेफिनेशन, आप लिखिए, द एनर्जी पसेस बाय अ बॉडी, एनर्जी पसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, स्पेस एंड कॉन्फिग्रेशन, कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द सिंपलेस्ट, आपको क्या चेंज देखना है, बस चेंज जो देखना है वो देखना है पोजीशन, स्पेस
एंड कॉन्फिग्रेशन ऑफ आ बॉडी, ये है हमारे पास में इसकी जो डेफिनेशन हम बात करते हैं कि द एनर्जी पसेस्ड बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन स्पेस एंड कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ बॉडी। अगर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी हो बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, केवल क्या करना है मोशन, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में क्या फर्क है। चलिए मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल पढ़ाने से पहले एक नोट लिखिए, जिसको आपको नोट में क्या लिखवा रहा हूँ, नोट में लिखवा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में PE लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी इज एल्सो नोन एज क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं म्यूचुअल एनर्जी, क्या कहते हैं म्यूचुअल एनर्जी। ये चीज याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल एनर्जी भी क्या कहते हैं। उसके बाद में अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से तो समझ में आएगा आपको कि हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी के केस में मैंने आपको बताया था ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन स्पेस, ठीक है, या मूविंग इन अ लीनियर डायरेक्शन, ठीक है, या मूविंग ऑब्जेक्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्या है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा था, लास्ट में कहा था मैंने इन जनरल द मूविंग ऑब्जेक्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमें क्या देखना है, 3 पॉइंट है, पोजिशन देखनी है, स्पेस देखना है, और क्या देखना है उसके कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो पहला एग्जाम्पल जो आता है, पहला एग्जाम्पल देखिए मैं आपको यहाँ सब देखिए, इन दोनों में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ वाटर, वाटर स्टोर इन द रिजर्वायर इन अ डैम पसेसेस पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में मैंने पोटेंशियल एनर्जी का केस कह दिया है। दूसरा मैं कहता हूँ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास में जो रहेगा, हमारे पास में ऑब्जेक्ट लिफ्टेड टू अ सर्टेन हाइट उसको क्या कह दिया एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ हैविंग क्या कह दिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब जमीन से ऊपर की तरफ जाता है तो भी उसके क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है, तो क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का केस रहेगा। अगर मैं और बात कर देता हूं एप्पल और मैंगो, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं, आम है, सेब है, ठीक है, एप्पल एंड मैंगो हैव हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो भी क्या चीज है, अर्थ सरफेस हाइट के साथ में क्या कर रहे हैं, हैंग कर रखे हैं, हैंग हो रहे हैं, तो वो भी क्या कहेंगे हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का केस रहेगा। अगर मैं बात करता हूं अ स्ट्रेच बो एंड एरो सिस्टम हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, और थोड़े से आप बुक से पढ़ सकते हो, ये मैंने आपको जो कॉमन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं कि एन ऑब्जेक्ट लिफ्टेड टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हैविंग द पोटेंशियल है, दीज आर द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में। अब मैं बात करता हूँ कि फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी हमारे पास में कौन कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ है ये हमारे पास में, एक पोटेंशियल एनर्जी है,
जिसका आपने देखा कि हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहले पार्ट्स में अगर मैं बात करता हूँ तो पहला पार्ट्स मैं आपके सामने यहाँ कह देता हूँ, जिसका नाम है हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ, जिसका नाम है हमारे पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ये केस आप पढ़ोगे, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहला केस है आपके पास में दिस, सेकंड केस है आपका ये, और थर्ड केस है हमारे पास में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का केस में। तो इन सारी चीजों की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप कहना चाहो तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि इनकी डेफिनेशन क्या है। देखते हैं, इनकी डेफिनेशन भी हम यहीं लिखने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी की, मैं बात करता हूँ बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। लेकिन इसमें पोजीशन के साथ में आपको क्या याद रखना है, पोजीशन के साथ में रखना है सच दैट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ की अगर मैं केस की मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास में इस तरीके से हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो लिख ली है, यहाँ लिख देते हूँ मैं आपको, द एनर्जी पसेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको इस मार्कर से लिख देता हूं, सच दैट हाइट, हाइट हमारे पास में क्या रहेगी, हाइट का केस रहेगा अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या रहेगा, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको समझ में आ गया होगा। द एनर्जी पसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन सच दैट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। ये केस आपने देख लिया। अब मैं बात करता हूं आपसे सेकंड की। सेकंड भी क्या चीज है, बिल्कुल सेम है, ये लिखते हैं द एनर्जी, एनर्जी पसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफॉर्म, ठीक है, सच दैट हमारे पास में क्या रहेगा, ये देखिए मैं ग्रीन यूज कर रहा हूं, सच दैट आइदर आइदर स्ट्रेच और कंप्रेस्ड, ठीक है, ये केस रहेगा आइदर स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। इतना केस आपने देख लिया, चेक कीजिए, देख लिया आपने, ये रहेगा अगर आप देख, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहता हूं, ये मैं यहां लिख दूंगा, द एनर्जी ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बार देख लीजिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं इससे काम करूंगा।
ये हमारे पास में महत्वपूर्ण है, ये हमारे पास में क्या चीज है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, एक्सप्रेशन भी आपको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप एक बार देख लीजिए, द एनर्जी पसेस बाय योर बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही चीज हम बारी बारी से देखेंगे, इसके अंदर क्या होगी, द एनर्जी पसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डीफॉर्म, ठीक है, सेफ भी लिख सकते हैं आप, सेफ डीफॉर्म सेफ से, क्योंकि बॉडी या तो कंप्रेस होगी या तो स्ट्रेच करेंगे। ये इलास्टिक का केस है, किसका केस है, इलास्टिक का केस है। ये सारी चीज किसके अंदर आएगी, मैं इलास्टिक के केस में कहता हूँ आपको। ये दिखाई दे रही है ना वीडियो, एक मिनट थोड़ी सी ब्राइटनेस करने हैं, यस हाँ ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इनकी यूनिट्स के बारे में, ठीक है। चलिए मैं आपको यूनिट्स के केस भी मैं यहीं समझा देता हूँ जिससे आपको ना जाना पड़े। पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट है सेम रहेगी, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पीई, इज क्या चीज है, जूल है, क्या चीज है, जूल, ठीक है। एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज अर्ग, क्या चीज है हमारे पास में, अर्ग। ये चीज तो समझ में आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पीई हमारे पास में क्या रहेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सेम एज द वर्क डन। ये केस आपने यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। तो ये सारा केस मेरा हमारा यहाँ तक आपके साथ में डिस्कशन हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का केस, ठीक है, कि ये किस तरीके से हमारे पास में काम करती है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और केटीपी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे जुड़ेंगे, और साथ में अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये चीज़ भी है। नेक्स्ट है मेरे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसका मैं केस कर रहा हूँ, मैं केस की बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरे पास में केस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसको आपको एक तरीके से समझना है। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक ब्लॉक है, कोई एक बॉडी है जिसको मैंने एक ब्लॉक नाम दिया, जिसका मास क्या चीज है हमारे पास में, एम है। वो क्या होती है, इज लिफ्टेड टू अ सर्टेन हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमने मान लिया सबसे पहले आपको अर्थ सरफेस बनाना है। देखिए दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ, ये मैंने मान लिया क्या चीज है बेटा, अर्थ है। अर्थ का क्या चीज है, सरफेस है, क्या चीज है हमारे पास में, अर्थ का सरफेस है। और हमारे पास में कोई बॉडी है, क्या चीज है, कोई बॉडी, ये ब्लॉक है, क्या चीज है, ये वाला हमारे पास में कोई ब्लॉक है, ये मैंने क्या कह दिया, दिस इज अ ब्लॉक, ये मैंने क्या कह दिया बेटा, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है, ये हाइट एच, एच एच इज द हाइट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए मानिए ये जो ब्लॉक था भाई, ये ऐसे तो है नहीं कि हवा में आपने लटका दिया है, हमने कोई फोर्स लगाया होगा तभी तो ऊपर गया है अर्थ के सरफेस से। तो इसके जो बॉडी है इस पे हमारे पास में दो फोर्स लगते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg को क्या बोलते हैं, mg, इट मीन्स वेट, वेट जो है बॉडी का वो क्या लगेगा, इज वर्टिकली डाउनवर्ड। बट हमने एक फोर्स जो लगाया है वो क्या लगाया, F किस डायरेक्शन लगाया, इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ऑफ द अर्थ। कोई प्रॉब्लम यहां तक, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जब इसको करोगे, कंसीडर अ ब्लॉक, कंसीडर अ ब्लॉक
हैविंग मास m, ठीक है, विच इज रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ऐसे काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं जो हमारे पास में अप्लाइड फोर्स है, किसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर रहेगा, फोर्स रहेगा। इसका मतलब क्या है, एफ जी इज इक्वल टू एम जी, आपको पता है एम जी ये एक वेट है, वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं वर्क डन की, मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं वर्क डन, ठीक है, बाय द अप्लाइड फोर्स, भाई इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना रहेगा, किसके अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास में जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, W इक्वल टू क्या बताया था मैंने बताया F इंटू में S। F क्या था, अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास में वर्क डन रहेगा। अगर मैं बात करता हूं S, S क्या चीज है, डिस्टेंस ही तो है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या जा रही है, H, H हाइट बराबर जा रही है। तो W बराबर F इंटू H। F की वैल्यू क्या चीज है, अगर मैं बात कर देता हूँ F बराबर क्या चीज होता है, mg हमारे पास है, क्योंकि मैंने बताया था द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये रहेगा mg h। तो हमारे पास में जो W रहेगा वो क्या रहेगा, mg h, दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या रहेगा हमारे पास में, वर्क डन रहेगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस तरीके का ये केस है। तो दोनों चीज है F इंटू में S, आप डायरेक्ट भी इस तरीके से निकाल सकते हो। और एक केस आपके साथ में दूसरा तरीका ये भी है बेटा कि हमारे पास में जो फोर्स है, देखिए इसको एक तरीके से और भी कह सकते हो, W बराबर क्या रहता है, F डॉट S पढ़ाया था, और S बराबर क्या चीज है हमारे पास में, H है, तो F डॉट S, तो ये आ जाता है F S cos theta means if the direction of force and height is the same, it means इनके बीच में जो theta हो क्या रहेगा, zero रहेगा, और cos zero हमारे पास में क्या रहता है, one रहता है। तो W बराबर एफ एस, जो कि मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया था, ये भी केस आप याद रखना ना, जो भी मैंने क्या कर दिया था, डायरेक्ट यूज कर दिया था। अगर मैं, ये तो है किसके बाद में, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि देखिए जो अप्लाइड फोर्स है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो इससे आगे अगर मैं दूसरे केस में वर्क डन निकालता हूं, इसको लिख देते हैं एफ जी। तो नेक्स्ट केस जो हमारे पास में वो किसका केस है, ये है हमारे पास में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F बराबर क्या है, F इंटू में S,
और आपको पता है एस बराबर हमारे पास में क्या है, एस बराबर है, एस बराबर एच, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर ये क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा बाय यूजिंग द स्केलर प्रॉपर्टी। यहां पर आपको जो देखना है इफ द थीटा, थीटा क्या चीज है, हाइट तो ऊपर है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री हमारे पास में क्या रहता है, माइनस वन। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एस आ जाता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या है, एम जी, ठीक है, क्या चीज है एम जी, और इसकी वैल्यू क्या चीज है एच। तो डब्ल्यू बराबर माइनस एम जी एच, ये है हमारे पास में ग्रेविटेशनल की वैल्यू। W इज इक्वल टू क्या चीज है, एम जी एस। तो वर्क डन क्या रहेगा, माइनस में, और पहले केस में क्या आया था हमारे पास में, क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो यहाँ पे हमें दो केस देखने को मिले हैं कि एक W बराबर क्या है, एम जी एच, और एक दूसरा W बराबर क्या आया था, माइनस एम जी एस। तो इसका केस का मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, द ब्लॉक रेज टू अ सर्टेन हाइट, क्या रहेगा, सर्टेन हाइट। तो ये रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, जब कोई भी बॉडी आपकी क्या करेगी, रेज करेगी, ठीक है। तो पहला केस नोट में लिख लीजिए बेटा, नोट, एन ओ टी ई, नोट में बिल्कुल याद रखिएगा, क्या याद रखना है, ये कहता अ बॉडी रेज, अ बॉडी रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास में, एम जी एच, इसका मतलब माइनस एम जी एच, क्या रहेगी इस केस में हमारे पास में, माइनस एम जी एच। जैसे जैसे आप इसको क्या करोगे, बॉडी को सरफेस अर्थ से ऊपर की तरफ लेके जाओगे, ठीक है, तो क्या रहेगी बॉडी, क्या करेगी, ये किसके है, अगेंस्ट, अगेंस्ट द किसके, वर्क डन। अगर मैं बात करता हूं सेकंड केस की, मैं बात करता हूं किसकी, मैं बाकी है? मैं कहना चाहता हूं अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द हाइट, हाइट एच, हाइट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में करेगी एम जी एच, ये केस याद रखना, ये जरूरी पॉइंट है आपके लिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज पढ़ा दी है। अब मैं बात करता हूं आपसे पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए मैकेनिकल एनर्जी के बाद में जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट फ्री इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये हमारे पास में जो आपका सिलेबस है वो है। उसके बाद में है, मैं ये पढ़ाने वाला हूँ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या लीजिए, द सम ऑफ, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, मैकेनिकल एनर्जी। ये ध्यान देना, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज कि कौन सी चीज क्या है। ये हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी है। इसी का अगर मैं एक पार्ट करता हूं, मैं बात करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, ठीक है, एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग
बॉडी, यही लिख देते हैं बॉडी को भी, बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये केस आपको समझना है, ये इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि देर इज नो चेंज, उसके बीच में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ, आप पढ़ सकते हो एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है कंजर्वेशन में, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, ना ही तो एनर्जी को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एनअदर फॉर्म, तो उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो ये है हमारे पास में, इस चीज को समझने के लिए आपको एक यहाँ देखना होगा, ये कोई हमारे पास में एक सरफेस है, क्या चीज है, ग्राउंड सरफेस है, मैंने एक क्या मान लिया है, दिस इज द सरफेस, क्या चीज है सरफेस, जब मैंने ये मान लिया तो हमारे पास में एक बॉडी है, पहले एक बॉडी थी, ये बॉडी है हमारे पास में, ये एक बॉडी है ए, ए बॉडी है एक पॉइंट पोजिशन पर, मैंने कह दिया बॉडी है किस पोजिशन पर है, ये ए पोजिशन पर बॉडी है, हाइट पे ये थी, आपको आपने इस बॉडी को छोड़ा और ये बॉडी कहाँ पहुंच गई, एक बी पोजीशन पे पहुंच गई, और थर्ड में ये कहाँ पहुंच जाती है, आपके ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाती है, ये केस आपने देखा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड द बॉडी हैविंग द पोजीशन एच, तो ये एच पोजीशन पे है, जब ये एच पोजीशन पे है, जब हम इसको फ्रीली फॉल करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या रह जाएगी, मान लेते हैं ए से, ये क्या चीज मानी बी, ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस क्या चीज है एक्स, और जो रिमेनिंग बचेगी हमारे पास में वो क्या रहेगी, वो रहेगी एच माइनस एक्स, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पर अगर आप देखते हो पोजिशन ए के केस में, पोजीशन ए के केस में जो वेलोसिटी है क्या चीज है, वेलोसिटी है वो क्या चीज है, जीरो, क्योंकि बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, भाई ये बॉडी है, मैंने ऐसे इस तरीके से क्या काम करी, हैंग किया, इसको मैं छोड़ूंगा ऐसे आएगी तभी तो मोशन में आएगी, बाकी पहले क्या है ये रेस्ट में है। यहां वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, वेलोसिटी रहेगी वी, ये वेलोसिटी है, कहीं इसको ध्यान दे कर देता हूं भाई, वेलोसिटी यहां क्या रहेगी, वी रहेगी, ये भी क्या चीज है वेलोसिटी, और इस पोजीशन पर क्या रहेगी वेलोसिटी हमारे पास में क्या रहेगी, यहां पे वी डैश रहेगी, क्या रहेगी वी डैश, भाई चेंज रहेगी। तो इस केस में जब आप करोगे तो आप मान लीजिए कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम, क्या चीज है मास एम, लाइंग एट पोजीशन ए एट अ हाइट एच अबव द ग्राउंड सरफेस, क्या रहेगी ये मान लिए, कंसीडर बॉडी ऑफ मास एम लाइंग एट पोजीशन ए, ठीक है, एट अ हाइट एच अबव द ग्राउंड सरफेस। तो यहां तक किसी के केस ने देखा होगा, ये कहता है इफ, यहां कहता है द काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीजेस, कब होती है हमारे पास में, ये मान लेता मैं एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट द एक्सपेंस ऑफ पीई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये सारा चीज आपने यहां देखा, ये मैंने मान लिया, जनरली आप लिख सकते हो जो भी चीज है। मेरे पहला पॉइंट केस नंबर वन देखिए, पहला केस मैं डिस्कस करता हूं, केस नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं एट पॉइंट ए की, मैं बात कर रहा हूं बेटा एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे द बॉडी इज एट रेस्ट, यहां पे बॉडी क्या चीज है रेस्ट में है, द बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट तो वेलोसिटी क्या रहेगी हमारे पास में,
जीरो क्या रहेगी, वेलोसिटी जीरो रहेगी। अगर भी वेलोसिटी जीरो रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। यहाँ इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। बट पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी भाई, क्या रहेगी हमारे पास में, एम जी एच, क्या रहेगी हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में क्या रहेगी, एम जी एच। तो इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के ए, ए पॉइंट के लिए, इसको कह सकते हैं यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को एट पॉइंट ए। बताइए तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी इसको टी से डिनोट कर देते हैं, टी टी ए हमारे पास में, अगर टी ए की बात मैं करता हूं तो पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होगी, जीरो प्लस एम जी एच, तो क्या आ जाएगी, एम जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एम जी एच। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट हो, चलिए ये मैं रब कर देता हूं। पहला केस याद रखना, ठीक है, इसको मैं एक इक्वेशन बना लेता हूं। लीजिए हमारे पास में है जो टोटल एनर्जी आई है, टी ए कह लेते हैं हम इसको, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसको मैंने क्या कहा, टी ए कहा गया है, टी ए क्या, के ए प्लस में यू ए बराबर जीरो प्लस एम जी एच। तो टी ए जो हमारे पास में आई है वो क्या आई है, एम जी एच, फर्स्ट केस में। सेकंड केस की मैं बात करता हूं, एट पोजीशन, पोजीशन बी, बी की मैं बात कर देता हूं, क्या बात कर देता हूं मैं, बी की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास में द बॉडी फॉल्स फ्रीली, ठीक है, हमारे पास में बॉडी क्या होती है, बॉडी फॉल्स फ्रीली एंड रीचेज एट पोजीशन बी हैविंग द डिस्टेंस, क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये डिस्टेंस एक्स है लेकिन हम किससे डिनोट करेंगे, यहां से ये, तो एच माइनस एक्स हमारे पास में डिस्टेंस करेगी, एच माइनस एक्स विद वेलोसिटी वी। तो ये सारी चीज आप लिख लेना, ये इतनी चीज है तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, तो ये लिखो, बताइए लिखते हैं, तो लिखिए आपको लिखना है द बॉडी फॉल्स फ्रीली, फ्रीली फ्रॉम हाइट एक्स, क्या होगी, एंड रीचेज, रीचेज एट पोजिशन, पोजिशन बी विद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, वी, विद वेलोसिटी वी। तो ये केस तो आपने देख लिया होगा, तो हमारे पास में नाउ फ्रॉम सेकेंड, सॉरी सेकेंड है थर्ड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, यही तो था, लेकिन आपको पता है a हमारे पास में एक्सेलरेशन है बट यहाँ ग्रेविटी का केस है, तो a बराबर रहेगा g के, s हमारे पास में डिस्टेंस है, यहाँ रहेगा हाइट से, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, क्या रहेगा हमारे पास में, टू जी एच। आपको पता है जो वेलोसिटी है हमारे पास में, यू, यू हमारे पास में, पहला केस हमारे पास में बॉडी कहाँ थी, रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट में थी, तो यू बराबर जीरो, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, टू जी एच, दिस इज द फर्स्ट केस, टू जी एच। अगर मैं बात करता हूं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, नाउ काइनेटिक
एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो इसको मैं बात करूंगा केबी, केबी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या चीज है, चलो ये लिख देते हाफ एम वी स्क्वायर। तो केबी हमारे पास में वन बाई टू एम वी की वैल्यू क्या चीज है, ये है हमारे पास में टू जी एच स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यही है ये। इस टू से टू कैंसिल आउट, तो के बी बराबर क्या हो गया एम जी एच। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास में, ये केस रहेगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूँ, देखिए पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम एम जी एच। अब एच हमारे पास में क्या है, एक्स तो नहीं है, एच माइनस, क्योंकि भाई जो भी चीजें यहां से घटा देंगे ये तो हाइट लेंगे, ग्राउंड से लेते हैं तो एच माइनस एक्स, क्या लेंगे एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में क्या होगी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, क्या रहेगी एक्स। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो एच है, ये देख ध्यान देना, ये वाला एच, एच हमारे पास में ये पूरा है, लेकिन हाइट क्या चीज है, कहां से बॉडी आई है, डिस्टेंस एक्स चली है, क्या चली है एक्स। तो ये बॉडी हमारे पास में एक्स चलेगी, क्या चलेगी बेटा, ये थोड़ा ध्यान देना, लिटिल मिस्टेक, ठीक है, एच डिस्टेंस चलेगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में ये डिस्टेंस चलेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी एच माइनस एक्स। तो ये रहेगा हमारे पास में, तो टी बी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू बी, इसको क्या कह दिया, यू बी कह दिया है। तो टी बी हमारे पास में क्या रहेगा, ये रहेगा क्या चीज है, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो टी बी बराबर भी क्या हो गया एम जी एच, समझ में आ गया, ये भी केस आ गया, ठीक है, ये केस आ गया। अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं आपसे, तो चलो ये भी मैं यहां लिख देता हूं, टी बी, टी बी आपके पास में क्या आ गया एम जी एच ही आ गया, क्या आ गया एम जी एच ही आ गया। अगर मैं थर्ड केस की मैं बात कर देता हूं, थर्ड केस एट पॉइंट पॉइंट सी की मैं बात करता हूं, किसकी मैं बात करता हूं, एट पॉइंट सी की अगर मैं बात करता हूं, तो फाइनली द बॉडी इज रीच, हमारे पास में जो बॉडी है वो कहां रीच कर जाएगी, ग्राउंड पे कर जाएगी, किस पे कर जाएगी, नाउ द बॉडी फाइनली रीचेज कहां जाएगी बेटा, रीचेज एट पॉइंट सी, क्या रहेगा एट पॉइंट सी फ्रॉम द, है ना, सी विद वेलोसिटी, क्या रहेगा विद वेलोसिटी हमारे पास में वी डैश, क्या रहेगी वी डैश। तो हम भी वही इक्वेशन पर बात कर रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, मतलब यहां पे क्या रहेगा टू जी एच, ये केस है हमारे पास में टू जी एच का। और इनिशियली हमारे पास में जो यू है, अगर मैं बात करता हूं भाई बॉडी यहां के रुकी तो थी, तो वो इस केस में क्या रहेगा यू बराबर भी जीरो। तो वी स्क्वायर का मतलब वी स्क्वायर डैश हमारे पास में क्या आ गया टू जी एच, किसके बराबर आ गया हमारे पास में टू जी एच के बराबर, ये हमारे पास में केस आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट कौन सी, हाफ एम, ठीक है, इनटू में क्या रहेगा टू जी एच। तो वी स्क्वायर भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी डैश स्क्वायर, तो वी डैश स्क्वायर ये है, तो यहां से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के सी बराबर एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी यू सी एम जी एच रहेगी, पर एच इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज क्या रहेगा हमारे पास में, मतलब ऑन द सरफेस, इसकी मैं बात करता हूं, एट द सरफेस
ठीक है, एट जीरो, तो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जीरो, यहां लिख दो वेयर वेयर पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थ इज जीरो, क्या रहता है, जीरो रहता है, क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। तो हमारे पास में टी सी की मैं बात करता हूँ, के सी प्लस यू सी, के सी क्या चीज़ है, एम जी एच प्लस जीरो बराबर एम जी एच टी सी। बहुत केसेस में हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, क्या रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, इन सभी केसों में क्या रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज़ है, कंजर्व है। यही चीज़ मैं आपको क्या कर रहा था, दिखाना चाहता था पोजीशन के साथ में कि पोजीशन हमारी चेंज रहती है लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। बट इन केस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पर उनकी मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज़ है, कंजर्व है। अब आप देखिए, अगर मैं एनर्जी और हाइट का एक ग्राफ लेता हूँ, उससे मैं आपको बड़ा अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या चीज़ है, एनर्जी है, एनर्जी, और ये है हमारे पास में हाइट, हाइट, ठीक है, एक्स, और ये क्या चीज़ है, वाई, क्या चीज़ है, एक्स और वाई। अगर मैं बात करता हूँ किसके केस में, कि इफ द हाइट इज इंक्रीज, हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी, क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज। हाइट के साथ में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, क्या होती है, ठीक है, इफ द हाइट इज इंक्रीज, अगर हाइट क्या हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं, हाइट, हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। पहला केस समझ लेना, हाइट इंक्रीज देन द काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। अगर मैं बात करता हूं किसके केस की, मैं बात कर देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का, मैं केस डिस्कस करता हूं, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ये पोटेंशियल एनर्जी के केस में हाइट, सेकंड केस देखिए, हाइट, हाइट इज इंक्रीज देन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज, क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। अगर मैं बात कर देता हूं आपसे किसकी, मैकेनिकल एनर्जी, पर मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी बेटा, क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। ये किसकी लाइन है, ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी को, एनर्जी, एनर्जी, और ये क्या है हमारे पास में, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, और रेड कलर वाली क्या चीज है, मैकेनिकल एनर्जी, क्या चीज है, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज है, कॉन्स्टेंट है। समझ में आ गया होगा इस कंसेप्ट का अर्थ, ये सारा कंसेप्ट इस तरीके से है, ये आपने देख लिया। अब बात आती है हमारे पास में ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी की, जो हमारा इसका टॉपिक है, ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या चीज़ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे बहुत सारे एनर्जी के एग्जाम्पल हैं, लाइट एनर्जी, हमारे पास सन एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू द लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू द लाइट एनर्जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बाकी हमारे नोट्स में कल मैं इस टॉपिक को एक बार और आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे पास में ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी
क्या रहती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।